हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। चलिए आज बनाते हैं एक हेल्दी मजेदार टेस्टी से पराठे की रेसिपी, पोहे का पराठा। नहीं सुना ना, तो कोई बात नहीं, आज सुन भी लीजिए और कैसे बनते हैं ये देख भी लीजिए। चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं इन पराठों को बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पोहे के मजेदार पराठे बनाने के लिए हमने लिया है एक कप पोहा और इसको दो से तीन पानी अच्छे से वॉश करके 10 मिनट ऐसी छलनी में हम छोड़ देंगे, जिससे इसका पानी सारा अच्छे से रिलीज हो जाए। ये देखिए, पोहे को हमने अच्छे से तीन से चार पानी धो लिया था और छलनी में रख लिया था। ये देखिए, इस तरह से पोहा हो गया, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ये देखिए। और अब इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दो बड़े साइज के आलू को हमने उबाल कर ग्रेट कर लिया है, आलू डाल देते हैं इसमें। आलू के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा, बेसन या सूजी भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हमने इसको दरदरा सा कूट लिया है। आप चाहिए तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा चटपटा करने के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी को हथेली से मसल के क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1/2 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है और चाट मसाला भी डाला है। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। पहले स्पून की हेल्प से मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसे हाथ से इसका डो लगा लेंगे, बिल्कुल आटे की तरह। अगर थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं तो ये चूड़े में जितना पानी है मॉइस्चर है उसी से हमारा ये डो तैयार हो जाएगा। इस तरह से हाथों से हम इसे डो लगा लेंगे, इसका अच्छे से लग जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के हम तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ी सी जरूरत पड़े तो हाथ पे ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद इसको डो का शेप दीजिए। और ये देखिए, आटे की तरह हमने इसका डो लगा लिया है। हथेली पे लगा लेते हैं थोड़ा सा तेल और इसको अच्छे से एक बार और मसल लेते हैं और इसे कम से कम 5-6 मिनट बस रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हम गैस पर अपने तवे को गर्म करते हैं पराठों के लिए। डो को रखे हुए लगभग हमें 8-10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फूल गया है। अब हाथों को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं। बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी सी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी लोइयां बना लेंगे। और अब हम अपने रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे पन्नी। ये हमने पोहे वाली पन्नी हमारी खाली हुई थी, इसी पन्नियों को हमने ले लिया है। एक पन्नी को हम अपने रोलिंग बोर्ड पर रखते हैं और इसमें हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे हमारा पराठा बिल्कुल भी चिपके नहीं। और अब इस पर हम अपनी बनाई हुई लोई रखते हैं, थोड़ा सा इसको दबा लेते हैं और दूसरी पन्नी पर भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसको पलट के इस पे रखते हैं। अब एक बात है कि इसमें हमें दिखेगा नहीं, हम इसको अगर बेलन से बेलेंगे कि पूरा गोल बिला या नहीं बिला, क्योंकि पन्नी से हमें दिख नहीं रहा है। या तो आप ट्रांसपेरेंट पन्नी यूज करिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक में इस तरह से प्लेट ले लेती हूँ या कोई भी भारी चीज ले लीजिएगा बड़ी सी, और इस पे मैं प्रेस कर देती हूँ। और ये देखिए, आराम से हमारा
पोहे का पराठा बिल गया, क्योंकि बहुत बड़ा हमें इसको बनाना भी नहीं है, और इस तरह से हमने इसको दबा लिया और ये आराम से हमारा निकल जाएगा। इधर गैस पर हमने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, और तवा गर्म हो जाएगा फिर हम अपने पराठे को इस पे सेकेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, 2-3 ड्रॉप, और अब हम अपने पन्नी की तरफ जाते हैं। इस तरह से हम पराठे को उठाते हैं पन्नी के साथ और अपनी दूसरी हथेली पर हल्का सा छुड़ाते हुए निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने आराम से हमारा पराठा निकल गया है, और अब हम इसको तवे पर डाल देते हैं, और बिल्कुल जैसे हम लोग रोज वाले पराठे सेकते हैं गेहूं के आटे के, बिल्कुल उसी तरह से हम क्रिस्प पराठे को सेक लेंगे। अब हम बाकी पराठे भी अपने इसी तरह से पन्नी पर दबा के रख लेते हैं। पराठे को हमने एक तरफ से सिक गया था, पलट दिया था, अब दूसरी तरफ से इस पे हम डालते हैं ऑयल या घी, जिसमें भी आपको सेकना हो, और अब हम पराठे को पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया, और इतने सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं कि आप इसे टिफिन में भी रख सकते हैं, कहीं भी आप बच्चों को भी दीजिए, बहुत बढ़िया लगता है। दूसरे साइड से भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, और इसे अलटते पलटते हुए बढ़िया से लाल चित्ती आने तक पराठों को हम सेक लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बनके तैयार हो रहा है, हेल्दी भी है और टेस्टी तो बहुत होता है। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा इस तरह से नए तरीके का पराठा बनाने का, बहुत अच्छे बनेंगे। और रोज के एक ही तरीके के पराठे रोटी से बोर हो जाते हैं ना, तो कभी कभी इस तरह से नए एक्सपेरिमेंट करके बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, और अब इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए पराठे भी अपने सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा ये बनके तैयार हुआ है, इसको निकाल के एक साइड में रख लेते हैं। और अब हम दूसरा पराठा भी आप पन्नी से इस तरह से उतार लिया हमने, ये देखिए, और इसको तवे पर डाल देते हैं। इसी तरह हम बाकी अपने पराठे सेक लेते हैं। एक बार में जितने हमें सर्व करने हैं उतने पराठे सेकिए, नहीं तो अपने बचे हुए डो को हम फ्रिज में रख देंगे, और जब हमें सेकना होगा हम डो को निकालेंगे और पराठे को इसी तरह पन्नी में दबाते हुए सेक लेंगे। और ये लीजिए रेडी है पोहे के सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे, बहुत अच्छे बनते हैं। आपको इनके साथ अचार से खाना हो, दही से खाना हो, जिस मर्जी के साथ आप ये खाइए, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, मसाले भी डाले हैं, ये वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैं इन्हें दही के साथ खाने जा रही हूँ, दही के साथ इसका खाने का मजा ही अलग है। तो चलिए आप इन पराठों को बनाइए, एंजॉय करिए, और कैसे बने ये पराठे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं नई नई रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।